Yes, and you're watching your favorite channel, the UP 46 Rider. So, अभी हम आ गए हैं आगरा एक्सप्रेसवे पे और हमारे सामने आप जैसा देख पा रहे होंगे फ्रेम में दो गाड़ियां, एक तरफ अपनी ईगल एंड एक तरफ पल्सर की जो नई नई गाड़ी लॉन्च हुई है 250 cc F250. तो इन दोनों की आज हम ट्रैक करेंगे. सबसे पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ कि इन दोनों का अगर प्राइस की बात करें तो ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस नहीं है. वो 180 की लगभग ऑन रोड पड़ जाएगी, 187 की पड़ रही है आपको एक्स शोरूम. अगर वहीं हम पावर की बात करें तो पावर उसमें 24.1 BHP का होता है, इसमें 24.2 BHP का है. टॉर्क उसमें 21.1 Nm का है और अगर इसमें बात करें तो 18 point something कुछ टॉर्क में थोड़ा इसमें कम है, पावर लगभग सेम है. तो ज़्यादा वेट देर नहीं करेंगे, थोड़ा विंड ब्लास्ट भी आएगा तो देखते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे. आइए चलते हैं, मिलते हैं सीधा बाइक पे. कौन सी चला रहे हैं आप? एफ. ये गाड़ी मेरी कितनी गंदी है, अभी 500 किलोमीटर की राइड मार के आए हैं, आज ही रेस शूट करने जा रहे हैं. तो आइए चलते हैं, साथ में सोलो ट्रेवलर राम भैया. तो आप लोग देख पा रहे हो ईगल बड़ी गंदी गंदी से लग रही है, वैसे गंदी भी अच्छी लग रही है. धुलवा लेता यार, चलता है बाइक के साथ. गंदी भी अच्छी लग रही है भाई, बाइक हमेशा अच्छी लगती है. थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं. और साथ में सोलो ट्रेवलर भैया चला रहे हैं 250 F, मैं चला रहा हूं अपनी ईगल. तो स्टार्ट करते हैं. और ये मैं आगे और 250 F पीछे. टॉर्क ही कम है यार, फिर भी आगे है. लॉन्च हो चुका है और भाई स्टार्टिंग में तो हम लोग टो टू टो चल रहे थे, बट अब आपकी जो RS है वो आगे निकल रही है और मैं पूरा टक किया हुआ हूँ इस बाइक पे. बिल्कुल भी स्पेस मैंने छोड़ नहीं रखा है और पांचवे गियर पे, लेकिन उसके बाद भी RS जो है वो बराबर लीड बनाई हुई है. भाई RS का कोई मुकाबला नहीं है यार, बजाज कंपनी ने क्या शानदार बाइक बनाई है. 250 है, इसका इनिशियल काफ़ी अच्छा है क्योंकि RS एक ऑलरेडी ऐसी बाइक है जिसने अच्छी अच्छी बाइकों से कंपेयर कर रखा है. KTM ड्यूक 200 हो गई, आपकी RC ड्यूक 200 हो गई, इनको इसने बाइक बहुत बार बीट किया हुआ है. लेकिन उसके बाद भी अगर ये बाइक बनाई हुई है डिस्टेंस, अभी देखिए आपकी RC, अब आपकी RS धीरे धीरे आगे जा रही है और मैं इस समय 5th gear पे हूँ और अब लिमिटर मेरा हिट कर रहा है. बट कोई बात नहीं, इनिशियल दे दे जैसा मैंने आपको पहले बताया हुआ है अपने ब्लॉग में कि ये जो बाइक है आपकी ज़्यादा रोड मतलब
भाई वहां पे मधुमक्खी उड़ रही थी यार, मैं मधुमक्खियों के बीच में रुक गया था एकदम से। राम भाई एकदम से पीछे, पता नहीं कहाँ है, कहीं रुक तो नहीं गए? और यार देखो लुक अच्छा लग रहा है, बस सेवी फेयरिंग में है, बड़ा पीछे रहे तो इनिशियल में निकले, बस थोड़ा सा टॉर्क कम है फिर भी इनिशियल में निकले, आगे ही चले गए। इनिशियल में यार थोड़ा सा आगे स्टार्टिंग में ही निकली थी। हाँ, तो अब हम लोग राइडर चेंज कर रहे हैं, करने वाले राइडर चेंज। राम भाई चलाएंगे अपनी ईगल और मैं चलाऊंगा F250। तो भाई ईगल निकली आगे और वो आगे निकलते जा रहे, देखता हूँ थोड़ा बहुत 5 गियर में आ गए हैं हम 8000 RPM पे, थोड़ा सा चल रहे हैं। आरपीएम को हिट नहीं करने देना, मैं थोड़ा स्लिप स्टीयरिंग कर रहे भाई। तो ये है आपकी बाइक, और ये देखिए भाई साहब यार आरएस का पिकअप, भाई मजा ही आ जाता है। मतलब जो निकली है ना भाई यार, गोली की तरह निकली है, तो कहीं ना कहीं राइडर चेंज करने का थोड़ा सा फर्क पड़ता है राइडिंग स्किल्स का। और ये देखिए मतलब स्टार्टिंग से ही एकदम लीड बना के निकली है, और भाई क्या मजा आ रही है चलाने में, निकलते ही जा रही है। और भाई अगर मुझे देखना है पीछे वाली गाड़ी को तो थोड़ा सा शीशा RPM कर रहा है, निकलती चली जा रही है। यही एक डिसएडवांटेज है, अगर 6 गियर होता है RPM 10,500 पे होता तो थोड़ा आगे निकल सकती थी। मैं हॉर्न दे रहा हूँ भाई, रुक जाओ, हो गई रेस। ये रही आपकी रेस, फर्स्ट रेस में ईगल, सेकंड रेस में ईगल। अब रही बात सेकंड रेस में, मैं एकदम मतलब ईगल के पीछे आ रहा था बट लिमिटर हिट कर रहा था। यहीं पे थोड़ा इसको डिसएडवांटेज मिल रहा है कि अगर ये गाड़ी 6 गियर में होती तो इसको वीट कर देती, बट यहाँ पे थोड़ा डिसएडवांटेज इसका 5 गियर का मिल रहा है। बाकी ये आपकी रेट ड्रैग रेस, आई होप सो वीडियो आप लोग को पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, ईगल के नाम पे एक लाइक और एक शेयर तो बनता है यार। वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लेफ्ट साइड में मेरा इंस्टा हैंडल दिख रहा है, जाओ फॉलो करो और मेरी यूट्यूब जर्नी को ज्वाइन करो। और जल्दी आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आपको। टिल देन बाय बाय, राइड सेफ राइड हार्ट।